वाइब्रंट विलेज कैंप अंतर्गत स्विगाम बीएसएफ कैंप खाते 3 दिवसीय बुटकैम्प नो प्रारंभ। बुटकैम्प में नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ना 20 छात्रों भाग ले रहा है। देश की अंतरराष्ट्रीय सरहदों की रखवाली करता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ द्वारा विविध लोकोपयोगी प्रवृत्ति पण करवामां आवी रही है, जेमां आंतरराष्ट्रीय भारत पाक सरहद नजीक आवेल स्विगाम बीएसएफ द्वारा छेल्ला केटलाक समय थी बुटकैम्प कार्यक्रम नो आयोजन करवामां आवे छे, जेमां विविध कॉलेज ना विद्यार्थी सहभागी बन्या छे। शुक्रवार स्विगाम बीएसएफ कैम्प खाते वाइब्रंट विलेज प्रोग्राम अंतर्गत छठा एडवेंचर बुटकैम्प नो शुभारंभ करवामां आव्यो। आ कार्यक्रम में दिल्ली की नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी 20 छात्रों भाग ले रहा है। आ अंगे विगत आपता बीएसएफ 123 बटालियन कमांडेंट गुरुविंदर सिंघे जणाव्यु हतु के एडवेंचर बुटकैम्प 26-28 जुलाई एम 3 दिवस रहेशे। आ 3 दिवस दरमियान सहभागी छात्रों ने बीएसएफ द्वारा रहेवानी व्यवस्था साथ शारीरिक प्रशिक्षण, ऑब्स्टकल कोर्स, मानसिक चित्र अभ्यास, रूट मार्ग, सीमा दर्शन, नड़ाबेट कहे ते परिभ्रमण साथ अन्य साहसिक प्रवृत्तियों ने कलात्मक कौशल्यों साथे पक्षी संरक्षित क्षेत्र नु भ्रमण स्थानिक जोवालायक स्थलों प्रत्यक्ष अनुभव करावाशे। आ एडवेंचर बुटकैम्प में प्रतिभागी छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और फायर जीवी प्रवृत्तियों माध्यम थी प्रत्यक्ष अनुभव थशे, साथ शारीरिक और कलात्मक कौशल्य ने बहाल लावा और सामाजिक एकता विकसित करवा माटेनी प्रेरणा आपवामां आवशे। कार्यक्रम में बीएसएफ अधिकारी और जवानों सहित पत्रकार मित्रों उपस्थित रहा था। अहवाल लतीफ खान मलिक, स्वीगाम। नमस्कार। आज जो हमारे जो पीएम माननीय पीएम उनकी विजन के अनुसार गुजरात फ्रंटियर और आईजी श्री अभिषेक पाठक आईपीएस उनके दिशा निर्देश के ऊपर 123 बीएनबीएसएफ के अंदर आज जो है 6th बूट कैंप जो गुजरात टूरिज्म के साथ उनके सहयोग से ये आज किया जा रहा है, शुरुआत हुई है आज इसकी। इसके अंदर दिल्ली द्वारिका से नेताजी सुभाष चंद्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 20 जो है स्टूडेंट्स आए हैं। इस इनका जो है जो 26 से 28 तक ये बूट कैंप चलेगा। इस बूट कैंप के अंदर जो है इनको जो है बेसिक जो है कॉन्सेप्ट्स होते हैं फोर्सेस के, बॉर्डर मैनेजमेंट के, वेपन के बारे में, मैप रीडिंग के बारे में, सर्वाइवल टेक्निक्स और साथ ही साथ जो अनआर्म्ड कॉम्बैट जो अपने और साथ ही साथ अनआर्म्ड कॉम्बैट और जो है बैनेट फाइटिंग और साथ ही ये जो इनको करवाए जाएंगे और जो है इनको बॉर्डर के ऊपर भी लाइव कैसे बॉर्डर डोमिनेशन किया जाता है, कैसे जो है चीज़ों को देखा जाता है, जजिंग डिस्टेंस वगैरह इनके बारे में इनको जो है ब्रीफली बताया जाएगा। और इनको या कल्चरल नाइट का भी यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे और साथ ही हमने इनके 2 डेमोस्ट्रेशंस भी इनको दिखाएंगे जिसमें लाइव सैबोट फायर ऑफ 81 mm मोटर और साथ ही साथ CPR जो कि एक आजकल बहुत ही ज़रूरी है हर नागरिक को पता होना, उसके बारे में इनको जानकारी दी जाएगी। थैंक यू। जय हिंद। मेरा नाम रमन यादव है एंड मैं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से यहाँ बीएसएफ की 123 बटालियन से गांव आए हुए हैं आया हुआ। मेरी यूनिवर्सिटी से अभी यहाँ 20 छात्र और आए हुए हैं बीएसएफ के बूट कैंप के लिए। यहाँ जो बूट कैंप बीएसएफ ने हमारे लिए अरेंज किया है ये काफ़ी यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है एंड इन लोगों ने अभी हमें ब्रीफिंग करी कि ये लोग हमें लाइव फायरिंग सिखाएंगे, बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे होता है वो सिखाएंगे, मैप ट्रैकिंग कैसे ये लोग करते हैं, बॉर्डर पे हम डोमिनेंस कैसे करते हैं ओवर आर नेबर्स, ये जो बेसिक नॉलेज एक सिटीज़न को होनी चाहिए, एक यूथ को होनी चाहिए वो ये लोग हमको देने वाले हैं। साथ ही साथ जो एक बेसिक स्किल्स एक यूथ को आज के टाइम में इंडिया के होनी चाहिए लाइक CPR जिसकी आपको ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है एंड बेसिक फिज़िकल ट्रेनिंग हमारे सारे वॉलंटियर्स को दी जाएगी। यहाँ पर हमारी NSS यूनिट के ही 20 वॉलंटियर्स आए हुए हैं। साथ ही साथ ओवर द 3 डेज हमारी सारी स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं। ये कैंप काफ़ी यूनिक है, वन ऑफ द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच।